combination of what life is all about. People who speak well reach whomever they want to. मुझे कहाँ फंसाया इन लोगों ने. अर्नब के सामने बोलने को बोल रहे हैं. माँ तो सबकी बोलती बंद होती है. दो लाइंस गा ही देती हूँ यार. वही दिस सॉन्ग यू वांट टू लिसन. साथ में गाना कबीरा. मैंने नहीं गाया है. सिंग एक तरह सबको साथ में गाएगा. लगता है कि ये जो फेस्टिवल है ब्लिट्ज़क्रीग जो केसी कॉलेज में हो रही है ये बहुत अच्छा. ये जो केसी कॉलेज में फेस्टिवल हो रही है ब्लिट्ज़क्रीग ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तब ये मास कम्युनिकेशंस या मास मीडिया के कोर्सेज नहीं थे. जर्नलिज्म के भी दो तीन चार ही कोर्सेज थे. तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ पे मास कम्युनिकेशन सब मास मीडिया के स्टूडेंट सब अलग अलग कॉलेजेस से एक जगह पे मिलकर इंटरेक्ट कर सके. तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर ये स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ दिल मेक फ्रेंडशिप्स एंड दिल रिमेन इन टच और क्या पता 10-15 साल बाद एक साथ काम भी करें. तो और सीखा जाता है जब अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं अलग वर्किंग कल्चर स्टूडेंट कल्चर होता है एक साथ जब आते हैं तो मुझे लगता है दिल रियली एन्जॉय द एक्सपीरियंस एंड आई हैव नेवर सीन सच अ बिग मास मीडिया फेस्टिवल. आई थिंक मे बी दिस इज द बिगेस्ट मास मीडिया फेस्टिवल इन द कंट्री. सो आई रियली थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक योर फैकल्टी एंड योर स्टूडेंट्स यू नो हैव डन अ ग्रेट जॉब. यस जी मैं बस एक ही टिप दूंगा कि जैसे लोग मुझे तो अखबारों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मगर मैंने टेलीविज़न में काम किया है तो मैं एक ही टिप दूंगा कि जो टेलीविज़न मीडियम है उसमें जो बिहाइंड द कैमरा काम होता है उसका उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है. मैंने अपने करियर के पहले 10 साल बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है. तो फिर जो लोग टेलीविज़न में आए वो ज़रा इस बात के बारे में भी सोचे कि जैसे जो कैमरा पर्सन है वीडियो जर्नलिस्ट है प्रोडक्शन क्रू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और सब लोग टेलीविज़न में टेलीविज़न न्यूज़ में ये सोच के ना आए कि हमें कोई ग्लैमर मिलेगा. उनको उससे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो रिपोर्टिंग है प्रोडक्शन है उस पर फोकस अगर दें आपकी फैकल्टी और आपके स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि आगे जाकर उनके करियर में फ़ायदा होगा उसका. कौन सा किताब नहीं नहीं मैंने मैंने कहा है कि जो आगे
आगे मुझे लगता है 3 या 4-5 सालों में भारत से कोई जो दुनिया भर में पॉपुलर हो चैनल या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बने, ताकि भारत के जो लोग हैं वो इस बात पर गर्व कर सके कि हमारे देश से हम ग्लोबल मीडिया कर सकते हैं। तो मेरा ड्रीम है ग्लोबल मीडिया, और आई फील दैट वी कैन सेट अप अ ग्लोबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया। दैट इज़ माई ड्रीम। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा मेरा बचपन वापस, इतना अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और जो ये लोग कोर्स कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरीके से मीडिया का पार्ट हर जगह पर बढ़ता जा रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ग्रूम हो रहे हैं, स्पेशली केसी कॉलेज में उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। दे शुड डू देयर बेस्ट और दे विल फाइंड, वो उनको भी मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जब पहुंचेंगे तो अर्नब की तरह हमें बहुत सारे अर्नब मिलेंगे। एक सिंगर की बात करें मैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया और एक सिंगर जी, इन दोनों में कितना डिफरेंट होता है और कितना? बहुत डिफरेंस होता है, दोनों फील्ड बहुत अलग हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो गई हैं आजकल। बल्कि कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अब आकर के ये BMM करना चाहिए, बल्कि मेरे जो बेटे हैं, छोटे बेटे, वो कर रहे हैं BMM, तो मैं उससे ये बोलती हूँ कि ये मुझे म्यूज़िक छोड़ के मुझे ये करना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया है मीडिया का। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं मासेस तक पहुँच पाती है जब तक हम कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट रोल। यू लास्ट ईयर, अभी अपने कुछ महीनों पहले ही जो इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे, पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग पूरी मीडिया ओरिएंटेड थी, पूरा सब कुछ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी। रिसेंटली मेरी एल्बम रिलीज हुई है ट्रांस विद खुसरो, बहुत बेहतरीन। उसमें मेरे छोटे बेटे कनिष्क ने पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन किया है और उसके एक से एक बेहतरीन गाने हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि उसको ज़रूर सुने और अपना फीडबैक दें। ट्रांसफर खुश रहोगी। आज रंग है ए माँ रंग हैरी, हरी हरी सखी मोरे महबूब के घर रंग हैरी, आज रंग है। थैंक यू। केसी कॉलेज में मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, इट्स लाइक अ होम टू मी। इट्स नॉट दैट कि मैं यहाँ पहली बार हूँ, आई हैव बीन कॉल्ड हियर एवरी नाउ एंड देन, बट आज यूथ एक प्लेटफॉर्म है, इट्स अ पावर हाउस। यूथ में जितना टैलेंट है आज, उसको अगर नहीं निखारा जाए देश आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड दैट्स वॉट द कॉलेज अथॉरिटीज डू, उनको एक आगे प्रोत्साहन देते हैं। आज जैसे अर्णव जी थे, आपने कहा मास मीडिया की कॉलेज है, मास मीडिया का इंटरेक्शन है, और उसमें स्पीकर अर्णव जी से बेटर स्पीकर कोई हो ही नहीं सकता था। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप खुद एक कुछ सीखते हो लाइफ में। मैं ये मानता हूँ इंसान अपनी आखिरी सांसों तक कुछ ना कुछ सीखता ही है। वैसे ही आज मैं भी यहाँ कुछ सीख के जा रहा हूँ। ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द डिबेट, अर्णव जी ने कहा लाइफ टुडे इज़ ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, एंड दैट्स अ फैक्ट। मैंने भी ज़िंदगी में जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या आगे और पहुँचूँगा, डेफिनेटली एक रिस्क लिए बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता है, बट इट शुड बी ए कैलकुलेटिव रिस्क। इट्स ऑल अबाउट दैट। सी, हर आदमी, हर इंसान एक जगह पहुंचना चाहता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है, बट उसके साथ एक अच्छा इंसान, टू बी अ गुड ह्यूमन बींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ओनली विश दैट दे टर्न आउट इन ग्रेट ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर। फोकस एंड डेडिकेशन। थैंक यू सो मच। निकी तो वेर है कि उखड़ता है।
A little bit stodgy for my taste. When you say he's not physical, what do you mean? I mean he's always very measured.